हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी से पराठे। यहाँ मैंने मेथी को अच्छे से धो लिया है। इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, एक दो हरी मिर्च, 1 स्पून जीरा, धनिया, 1 स्पून गरम मसाला। इन सबको हम पीस लेंगे। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हो। मैं अजवाइन को नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, लेकिन अजवाइन डालकर इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। स्वाद अनुसार नमक 1/2 कप के बराबर पानी डाल देंगे, जिससे ये अच्छे से पिस जाएगी। अभी हम आटा लगा लेते हैं, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी मिर्च, हल्दी, जिससे हमारे पराठों में अच्छा कलर आए। सबको मिक्स कर लेंगे। 1 स्पून के करीब घी ऐड कर देंगे, इससे हमारे पराठे काफ़ी अच्छे बनेंगे। सर्दियाँ हैं तो घी जम गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण तैयार किया था उसे आटे पर डालकर अच्छे से सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। इस तरह का हमारा डो तैयार हो जाएगा। सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हमारा सॉफ्ट और कुरकुरा पराठा बनेगा। यहाँ हम तिकोना आकार दे रहे हैं। आप चाहे तो सिंपल गोल भी बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बनाना है, टेस्ट वही आने वाला है। हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। अभी इसको मैं घी में सेकूंगा। आप चाहे तो ऑयल का प्रयोग कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। हल्का सा घी लेंगे और स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। घी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बहुत आसान है मेथी का पराठा बनाना। ये घर में जब बनाना चाहिए, सर्दियों में मेथियाँ काफ़ी आती है। ये काफ़ी हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है। आप देख सकते हो, देखने में ही कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। मैंने रोटी बेलना इसलिए नहीं दिखाया आपको क्योंकि रोटी तो सभी बेल लेते हैं। इस तरह से आप पराठे बनाइए और बच्चों को खिलाइए। बच्चे काफ़ी एंजॉय करके खाते हैं, काफ़ी टेस्ट आता है। कुरकुरे भी होते हैं और टेस्टी भी। इस तरीके से और हम एक पराठा बना सकते हैं। यहाँ हमने प्याज ली है, थोड़ी गाजर को भी हमने ग्रेट कर लिया था, कैप्सिकम, मोजोर वाला चीज़ ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें पनीर को उसे डाल सकते हो, और या फिर चाहे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमारे आटे में भी पड़ा हुआ है और हमारी मेथी में भी हमने डाला था। थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये मेरे पास पाउच पड़े हुए थे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 लोई लेंगे, उसको अच्छे से बेल लेंगे। इसके अंदर ये मिश्रण भर देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से। काफ़ी आसानी से हमारा ये पराठा बन जाता है। हल्के से बेल लेंगे, थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं बच्चों के लिए घी में ही बनाती हूँ, तेल में भी काफ़ी अच्छे और टेस्टी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि घी में भी बनाना ज़रूरी है, लेकिन ये पराठा इतना टेस्टी लगता है कि बच्चे काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं इस पराठे को।
इसको कुरकुरा थोड़ा रेड सा हो जाए तब तक हमें सेकना है। हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया है, काफ़ी गर्म है अभी, आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। और अंदर से भी मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इस तरह से पराठा बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।